हेलो दिस इज चिराग एंड ऐसी जो वेडिंग और कॉन्फ्रेंस के लिए आपको परफेक्ट वेन्यू फिल्टर करके देती है। के आप देख सकते हैं हमारे थर्टी सेकेंड विदाउट एनी इंट्रैक्शन सो बने रहिए है हमारे साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियोज कभी ना मिस कर सके गुड मॉर्निंग एवरी Welcome to venue.events. Today I'm very lucky and privileged to have the key man for the tourism of Rajasthan sitting by my side. And it's great honor for me to request Mr. Pradeepji Bora, who's been running the train for the last forty-two years, called The Palace on Wheels, The Pride of Rajasthan, the Royalty of Rajasthan, with grace and most effective ways. giving the best of his hospitality, giving his best of his services to the clients across globe. तो बोरा साहब आपको इस चैनल पर बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं धन्यवाद और साथ में हमारे जैसलमेर से जितेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हम जिनको दादा साहब कहते हैं आज मैं सौभाग्य फील करता हूँ कि आप भी हमारे इस चैनल में हैं और ये टूरिज्म के नाम पर टूरिज्म बहुत छोटा सा वर्ड है इनका जो कैपेसिटीज़ हैं इनके जो वर्ल्ड हैं इनकी जो रीचेज हैं उसमें टूरिज्म भी एक पार्ट है जिसको ये प्रमोट करते हैं जैसे बॉर्डर टूरिज़्म आजकल बहुत पॉपुलर है तो ये बॉर्डर टूरिज्म के लिए पितामह माने जा रहे हैं जैसलमेर में बहुत ज़्यादा पिकअप हो रहा है हम भी सुनते हैं हम भी देखते हैं हम भी पढ़ते हैं तो हम भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं उसको वेलकम टू द चैनल तो ज़्यादा टाइम ना लगाकर मैं प्रदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ मैं सुनहरे पलों की उन यादों को दोबारा से ताज़ा करें हमसे साझा करें और बताएं वो खूबसूरत पल वो खूबसूरत क्षण जिससे हम भी अभिभूत फील करें पहले सोनवीर जब स्टार्ट हुई वे देख नाइनटीन एटी टू ट्वेंटी सिक्स जनवरी द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरटीडीसी, डी सी ही टोल्ड अस कि दिस इज़ माई ड्रीम एंड विद इन फाइव ईयर्स यू विल गेट द चार्टर टूर फर्स्ट टूर में उनका वो सपना था एंड टुडे आई कैन टेल आई कैन से पूरे अपने उससे अनुभव से कह सकता हूँ कि आज पैलेस ऑन मील्स हैज बिकम द सेकेंड बेस्ट लग्जरी ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिस सर्विसेज़ बिकॉज ऑफ हिस आइटेरी बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ द पीपल दो वर्किंग ऑन बोर्ड ऑन पैलेस ऑन मील मोर ओवर बस टोटली सपोर्ट बाय द गमेंट इनिशियली दिस इज दर्जन ऑफ पैलेसोन जो अभी हम चला रहे हैं फर्स्ट जो ट्रेन थी फ्रॉम एटी टू टू एटी नाइन रियल ओल्डाज वोजोटल ब्रास बाल्कोनी कोर्ट ऑफ आर्म्स इंसेग्निया वज देयर इन द सलून समलून देवर है रियल rose wood furniture, and wooden coaches. No air conditioning, no vestibule area एयरकंडीशनिंग there. The people they were enjoying a lot in that train, old train. And uh, the best part <laughs> जो हमने देखा उस वक्त जब ट्रेन गाँव से गुजरती थी राजस्थान के तो लोग जो खेती करते थे आसपास में जो अपने जमीन के मालिक होते थे किसान लोग वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे ट्रेन के सामने उनको Obviously यही मालूम था रॉयल में महाराजा महाराजा इस ट्रेन से जा, जा रहे हैं तो वो एक सीन होता था हम भी थ्रिल होते थे देखो ऐसी ट्रेन इन लोगों के महाराजाओं के टाइम में बनी हुई है जिसको वापस आज गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लेके इसको चलाया है और रही बात इसकी पब्लिसिटी इसकी मार्केटिंग की रही प्रोडक्ट अपने आप में खुद मार्केट market, मार्केटिंग करता है अगर आपके सर्विसेज अच्छी होगी अब आपका डेडिकेशन डेडिकेटेड स्टाफ होगा तो लोग डेफिनेटली uh, उसकी तारीफ करेंगे और सबसे बड़ी बात एक uh, जो कपल ट्रेन पे आया ही केम सेवंथ टाइम ऑन बोर्ड ऑन पैलेस सेम सेम कपल कपल फॉर टाइम दिस इट इट फूड इज हाउस कीपिंग इट्स अ डेडिकेटेड स्टाफ इट्स अइटनरी एवरीथिंग तो दैस वाई इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड राजस्थान में तो इंडिया में तो द पीपल दे कॉल इट मदर ऑफ ऑल लग्जरी ट्रेन बिकॉज इट कॉर्स ऑल द डेस्टिनेशन स्टार्ट फ्रॉम डेली देन जयपुर सोयमाधोपुर उदयपुर जोधपुर जैसलमेर भरतपुर आगरा बैक टू डेली तो सारे जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन uh, है सबको कवर करती पी और तो पैलेस का नाम ये वी कनेक्ट रॉयल्टी एंड एट द टाइम द पीपल जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में थे दे वर फ्रॉम ऑल चाहे वो छोटे घराने से हो चाहे बड़े ठिकाने से हो उनके जो uh, सिपासी वो तो उनके जो वो थे सेवादारी थे सेवादार थे वो सब uh, ट्रेन में हमने उन्हीं कम्यूनिटी से हमने उनको रखा

और ट्रेन चलती है तो बोरा साहब ही चलाते हैं देखिए ऐसा, ऐसा कुछ ये, में ये एक जॉइंट एफर्ट्स होता है टीम वर्क होता है और मैं इस ट्रेन को टीम की जगह स्टीम बोलता हूँ क्योंकि स्टीम जो लोकोमोटिव था पहले वो स्टीम से ही चलता था तो दैट इज़ द स्टीम जो पावर है जो डेडिकेशन है जो जीव है जो उनमें काम करने की जो भावना है वो ओनरशिप लेके काम करते हैं कि ट्रेन उन्हीं की है इसलिए उन पर एक क्योंकि ये इसके सारे टाइमिंग सिक्स है मोबाइल होटल को चलाना एक इजी टास्क नहीं है तो सारी चीज़ें अपने टाइम पे हो सारी चीज़ें प्रोक्योर हो सारी होटलों में उसी टाइम पे लंच में जैसे हम बाहर भी जाते हैं लंच में उसी टाइम पे पहुँचे बसेज हो सारे वेलकम सब जगह हो अच्छे वेलकम हो तो इट्स अ टूरिज्म का एक अच्छा प्रोडक्ट है पहले समझेंगे हाँ सर कई हमने प्रमोशन में पैलेस ऑन व्हील्स के लिए आजकल में ही पढ़ा था कि अब वो पैलेस ऑन व्हील्स थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में वो अपने फिक्स्ड रूट से हट के और भी कई तरीके से अवेलेबल हो रही है जैसे लेटेस्ट आपका वेडिंग ऑन व्हील्स का एक कॉन्सेप्ट था वेडिंग ऑन व्हील्स के ऊपर डेस्टिनेशन वेडिंग्स और छोटे फंक्शन या कुछ तो अगर मैं या कोई कस्टमर चाहे पैलेस ऑन व्हील की फैसिलिटी लेना एक दिन की बुकिंग के लिए दो दिन की बुकिंग के लिए कोई फंक्शन करना चाहे तो उसमें आप सर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे सर देखिए पैलेसॉनवि लास्ट ईयर ही एक प्राइवेट ओवरनम पे आई है ऑपरेट एंड मेंटेन बाय द प्राइवेट पीपल क्यूब कंस्ट्रक्शंस है और अभी राइट नाउ भगत सिंह जी लोहागढ़ उसको ऑपरेट कर रहे हैं उनका ये कंसेप्ट है कि जब ट्रेन अगर उसमें थिन ऑक्यूपेंसी हो या कम बिजनेस हो तो वी कैन ओपन फॉर द पीपल दो वॉन्ट टू हैव अ टेस्ट ऑफ फूड ऑफ पैलेस उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं जैसे जहाँ जहाँ हमारी क्लोट्स अवेलेबल है जहाँ ट्रेन रहती है जैसे जोधपुर में रहती है जैसलमेर में रहती है और uh, अपने जयपुर में भी रहती है तो हम वी कैन कनेक्ट विद द पीपल वी कैन इनवाइट देम फॉर द स्मॉल पार्टी बिकॉज वी हैव द टू रेस्टोरेंट्स तो वी कैन गिव देम देर रॉयल चार्ट टूर्सिंग पर्सन स्पेशली जो वेडिंग प्लानर हैं ऋतुराज जी खन्ना साहब हैं या धीरेन्द्र अपने वो हैं शास्त्री है. शास्त्री तो उनसे हम कनेक्ट में हैं उनसे एम ओ यू भी हमने किए हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरी मौका है पैलेसो मीज वेडिंग करवाने की तो सारे वेडिंग प्लान वो करेंगे बाकी ट्रेन को जो सर्विसेज है वो हम देंगे तो इट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट टू अट्रैक्ट द इंडियन पीपल पीपुल बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है आ, हाँ पहले जैसे हमें प्रपोशन देख रहे थे प्री वेडिंग शूट में वाटरवेस्ट थे एयरवेज थे और अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी सपना है वेड इ, वेड इन इन इंडिया तो उससे भी हमको सपोर्ट मिलता है और इससे हमको अच्छा एक ऑक्यूपेंसिवे Uh, अपने को एक बूस्ट मिलेगा और हमारे mm, माननीय पर्यटन मंत्री आर का भी विजन कल हमने सुना कितना ओपन और कितना क्लियर विजन था कि फर्स्ट डेस्टिनेशन फर्स्ट चॉइस इन द बेस्ट विद ऑल यू पीपल ब्यूटी ऑफ राजस्थान इन इंडिया कि वी हैव पैलेसेस वी है य बिग मैंशंस एंड मोर और द रल्टीज द मोबाइल टूरिज़्मी नेम कुमारे जी या जो हमारे डिप्टी मिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं हमारे टूरिज़म मिनिस्टर भी हैं और गज सिंह साहब हैं हिजायर एस जोधपुर और उदयपुर के लक्षराज सिंह साहब हैं तो ये सब लोग जहाँ खड़े हो जाते हैं अपने आप थे थे एक टूरिज़म क्रिएट हो जाता है जी और एक हेरिटेज प्रॉपर्टी जिन्होंने फ्लोरिश की है जो इन्होंने बढ़ावा दिया उसका कोई मुकाबला नहीं उसकी कोई सानी नहीं और ईश्वर करे काफ़ी अच्छा हमको सहयोग मिलता रहे इन लोगों से यही मेरी कामनाएं हैं कल तो मंच से ही माननीय उप मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आप आइडिया लाओ आप आइडियाज पिच करो आप एक्यूरेटली प्लान करके हमसे मांगो क्या मांगते हैं हम सभी चीज़ों की आपको मुहैया कराएंगे हर फैसिलिटीज़ देंगे फिर बड़ा तो सर अच्छा ट्रेन के अंदर सर जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई बीस या तीस बच्चों का ग्रुप है या कोई किटी पार्टी है या कोई डेस्टिनेशन पे खड़ी ट्रेन के अंदर कुछ एक छोटा सा हाई टी या छोटी सी लंच ऑर्गेनाइज कराना चा, चाहे तो उसमें आप कैसे हेल्प करेंगे इनफैक्ट तो अभी जैसा हमने के चलाया हुआ है अभियान की हमारे जो सेल्स से टीम है हम उनको आ, सारे फाइव स्टार होटल्स में भेज रहे हैं ताकि क्योंकि वहाँ के स्टेइंग गेस्ट दे वांट टू हैव ए डिफरेंट एक्सपीरियंस जब ट्रेन जैसे जयपुर में है तो वीर द पीपल आर स्टेइंग इन द फाइव स्टार होटल दे कैन बुक दोज पीपल फॉर द लंच लंच हम कर सकते हैं और जैसे डिनर हम जैसलमेर में कर सकते हैं तो विल अप्रोच टू द ताज होटल और गुड होटल्स देर इन जैसलमेर सो अगर जैसे बीस का ग्रुप है पंद्रह का ग्रुप है तो वी कैन डेफिनेटली गिव दम बोर्ड ऑन पैलेस ये तो चलिए होटल्स के साथ टाइप हो जी। इसके अलावा कोई आदमी भी जैसे हाँ, मैं कि मेरे बच्चे की सगाई आपकी ट्रेन की खूबसूरती के साथ हो उसके लिए वी आर ओपन जो भी अगर कोई ग्रुप है पंद्रह बीस आदमी का फोर दी लंचर जहाँ मैंने बताया डेस्टिनेशन पे तो वी आर ओपन फॉर इट वी कैन ऑर्गेनाइज इट अब एक कोई ऐसा आपका जो वाक्य जो आपकी जिंदगी में एक लंबी छाप छोड़ गया हो ट्रेन से जुड़ा हुआ हो ट्रेन के अनुभव से हो बयालीस साल सर मेरे ख्याल से तो ये एक अर्धांगनी वाला रिश्ते से बढ़ के तो नहीं है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण आपका रिश्ता स्टेट के साथ रहा है तो निश्चित ही कोई ना कोई ऐसा अनुभव होगा जो कि आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ अनुभव की बात करें तो लोगों को मैंने यही कहा है कि चेरीवती चेरीवती चलते रहो चलते रहो और जहाँ काम करते हो वहाँ अपनी उसको अपना अधिकार समझो जैसे आपकी प्रॉपर्टी समझो जैसे ट्रेन है तो ये समझो ये मेरा मेरी खुद की प्रॉपर्टी है देन ओनली आप अपनी जील से अपनी शिद्दत से काम कर पाओगे और वही हमने इनमें सारा संस्कार और जो आप कहते हो अनुभव वो उन्हें में दिया हुआ है बहुत बढ़िया सर आपकी ट्रेन के बारे में जानकारी ली आपसे बात करी बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर खुद भी बहुत सौम्य में और बहुत आ, देखने में बहुत सुंदर व्यक्तित्व के हैं धन्यवाद तो हम समझ सकते हैं कि ट्रेन को भी आप उसी सुंदरता के साथ आगे बढ़ाते लेके चलेंगे धन्यवाद विद अस हम इनको दादा साहब कहते हैं साहब कहते हैं इज मिस्टर राठौड़ इज द वन हु the name of uh, hospitality i shouldn't be saying only the tourism but in the name of hospitality he covers uh, various aspects of dealing with people obliging people helping people those who are coming for uh, any assistance for travel for uh, tourism he is voluntarily coming on his own coming and pitching what best he can he is mr ajitendra uh, singh rathod and he is the one who is presently promoting और बॉर्डर टूरिज़म इन एरियाज और जैसे एंड अराउंड सो वेलकम वेलकम टू द चैनल एंड जैसा अभी uh, आप बॉर्डर टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं और भी टूरिज़म से जुड़े हुए हैं होटल्स हैं स्टेक कॉन्स हैं टेंट अकोमडेशन हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं और ट्रेल टूर्स हैं इसके अलावा हाइकिंग वगैरह बहुत जगह आपके नाम आते हैं साहब तो आप अपने कुछ ऐसे पल ऐसी चीजें शेयर करें ऐसे डेस्टिनेशन शेयर करें जहाँ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कैन कम एंड स्टे दे कैन प्लान अ वेडिंग दे कैन प्लान एनी इवेंट और अ कॉरपोरेट इवेंट और दे कैन हैव अ मीटिंग्स है फोर डेज एंड देन द सेम टाइम विद योर एक्सपीरियंस दे कैन हैव सम सम एडवेंचर एक्टिविटीज एक्टिविटीज फन इन द एरियाज ऑफ द जैसलमेर क्योंकि जैसलमेर की वाइब्स तो अपने आप में एक, एक क्या स्वर्ण नगरी की एक अनु, अनुभव जो है और आपके द्वारा उसका अनुभव मिले तो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है मेरा मेन बेस जसमेर है और सोनार किला और स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है संभावनाएं बहुत है वहाँ पे देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए हर तरह के आयाम खुले हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि पैलोसन बीन्स जसमेर को जोड़ती है इससे एक अलग ही समाचार जाता है एक खुशनुमा समाचार जिसे हम बोले उसका कारण है कि जब आप एक रेल के माध्यम से एक शहर को जोड़ते हैं तो संभावनाएं दुगनी हो जाती है उन्हीं दुगनी संभावनाओं को उसका जो मूर्त रूप है वो आज की तारीख में चार सौ सैंतीस होटलें हैं जैसलमेर में जीरो स्टार से लेके और सेवन स्टार होटल्स तक तो अगर अपन देसी विदेशी पर्यटकों की वहाँ पे जो क्रियाएं हैं जो क्या कर सकते हैं तो उसकी अकूत संभावनाएं हैं वहाँ पे इतिहास परा पड़ा है कला है संस्कृति है हवेली है पीठ पाषाण में नक्काशी है आज जो सिलावट है जो आज भी काम कर रहे हैं हालांकि उनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई वहाँ का जो हैंडी कल्चर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है ये तो हो गया इतिहास यदि आप धार्मिक रास्ता पकड़ते हैं तो वहाँ पे जसमेर और जसमेर के आसपास सात देवियों के स्थान हैं जिनका आ, बहुत महत्व है तनोट राय को हर आदमी जानता है पर तनोट राय के साथ घंटियालीर ये मतलब ये 125 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है तनोट माता का मंदिर तो उन्नीस सौ इकहत्तर की जी जी जन बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल बिल्कुल उससे काफी जी जी ख्या ये और उसी के साथ में सशस्त्र सेना ने म्यूजियम खोल दिया एक म्यूजियम खोला है मिलिट्री म्यूजियम uh, खोला है वॉर म्यूजियम एक तो है जोधपुर रोड पर और एक है वाला में जहाँ पे, पे वो जी हाँ जहाँ पे वो मुख्य लड़ाई हुई थी और इनके चलते चलते uh, बॉर्डर uh, सिक्योरिटी फोर्स ने भी अपना म्यूजियम सब में खोल दिया है तो अगर धार्मिक देखते हैं इतिहास को देखते हैं अब देखें आप पाषाण पीत पाषाण की कला तो ओ, कुलधरा एक ऐसी जगह है कुलधरा उसके साथ में हैुलसी गांव है हालांकि हर गांव में आप जा नहीं सकते हो जहाँ पे संस्कृति बिखरी पड़ी है साल पहले क्या हुआ था आज भी वो सुसज्जित है ऐसा लगता है जैसे आदमी तीन दिन पहले छोड़ के गया जगह को नहीं कुलधरा का तो साहब वो आप ये इतिहास बता दें कि वहां से पलायन किस तरह से कैसे क्या हो गया एक रात में पलायन ठीक एक रात लगभग कितने परिवार थे साहब उधर बयासी गाँव थे बयासी गाँव में से बयासी गाँव एक ही रात एक रात में प्लान तो ऐसी की ऐसी प्रथा ऐसी मान्यता क्या रहा हुआ है नहीं दीवान सालिम सिंह मोहता उस समय प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कुछ कार वगैरह ज़्यादा बढ़ाए फिर थोड़ा उनको मानसिक परेशानी भी हुई उस मानसिक परेशानी के चलते वहाँ के मुखिया ने कहा कि बिस जगह को आप छोड़ देते हैं तो ठीक रहेगा क्योंकि जब ज्यादती होती है तो जब आदमी आदमी उसको प्रतिकार प्रतिरोध नहीं कर सकता तो फिर वो निकल जाता है और उसी वजह से हालांकि कई इसके विश्लेषण है पर मुख्य ये ये कि मानसिक रूप से परेशान होने के कारण वो सारे के सारे पलायन कर और वो जो बजे रात के बारह और वो चमचम -चम की आवाज़ें और कई कई ऐसी वहाँ के सामन के द्वारा किए गए अत्याचारों की वजह से मानसिक प्रताड़ना की वजह से वहाँ के ब्यासी गाँव के लोग पलायन कर गए फिर वहाँ की जो खड़ीन संस्कृति है खड़ीन क्या है कि जल को संजोने की एक प्रक्रिया है कि आप कैसे रेगिस्तान में जल को संजो के और उनसे फसल लेते हैं तो खड़ीन जो संस्कृति है वहाँ के जो तालाब हैं वहाँ के जो छोटी छोटी नदियाँ जो, जो बहती हैं तो वो ए, इस मानसून बरसात के टाइम पे एक अलग ही उसका एक वातावरण निकलता है तो उनके अपने पास भी कोई ऐसी इवेंट्स करा सकते हैं बिल्कुल टेंट्स में बिल्कुल बढ़िया डेकोरेट अब आज की तारीख में ऊँट है तो जो देश से विदेशी पर्यटक आता है तो वो उसको अगर जसमेर में कैमल सिफारिश करनी है जसमेर के आसपास करनी है जोधपुर से जसमेर से करनी है जसमेर से बीकानेर जाना है या बीकानेर से जसमेर जाना तो आज भी अगर चाहे तो जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ की जो ग्रामीण परिवेश है ग्रामीण की जो वहाँ पे जो रहन सहन है उसको नज़दीकी से देखने का आ, आ, जो जज्बा है वो ये महसूस करता है अब लेते हैं अपन बॉर्डर टूरिज्म को तो मुहिम एक है और मैंने एक मुहिम दे रखी है कि स्टेटलेस बॉर्डर टूरिज्म कि बिना किसी ज़िले के बिना किसी राज्य के हम कैसे इसका पर्यटन को हम कैसे प्रोत्साहन करें जो सीमांत ज़िले हैं तो हम अगर शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से हम आते हैं हिमाचल प्रदेश हम घुसते हैं पंजाब में पंजाब से हम आते हैं राजस्थान में राजस्थान से हम आते हैं गुजरात में तो ये अपूर्व संभावनाएँ हैं पर कुछ कानूनी पेज ऐसे हैं जिनको कि सुलझाना बहुत ज़रूरी है यदि ये कानूनी पेच सुलझ जाते हैं मैं परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ बीकानेर जसमेर और बाड़मेर की तो हमारे देसी भाइयों को ओमान ईस्ट दुबई जाने की ज़रूरत पड़ेगी इतनी संभावना है उस एरिया में पर सवाल यह है कि हम उसको कैसे उसको खोलें आप देखिए कि आज की तारीख में हम सिर्फ 40 किलोमीटर जसमेर से 40 किलोमीटर पर ही भ्रमण कर सकते हैं देशी या है विदेशी पर्यटक कुड़ी या सम। और जो बॉर्डर पड़ता है वो है एक किलोमीटर जैसलमेर था तो हमारी कोशिश ये है, है सरकार 25 किलोमीटर का बफर जोन रखे बाकी बॉर्डर खोल दे बाकी एरियाज को खोल दे तो एक तो व्यापार की अकूत संभावना है एक बढ़ोतरी की अकूत संभावनाएं और एक जो वहाँ का जो डेजर्ट फ्लोरा एंड फोना है वो अलग है बिल्कुल तो जो लोग ओमान जाते हैं दुबई जाते हैं तो उनको जाने की जरूरत पड़ेगी वो वहीं मिल जाएगा उससे क्या होगा कि रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ेगी नए रोज़गार आएंगे नया सृजन होगा नई यूनिट्स आएंगी तो ये कोशिश है और इसी को सो जोड़ते हैं हम फिर हम जोड़ते हैं पंजाब को हम जोड़ते हैं हिमाचल को हम जोड़ते हैं कश्मीर को तो एक बिना राज्य के पर्यटन एक पर्यटन एक पर्यटन राज्य बन जाए सभी राज्यों के लिए जोड़ता हो बिल्कुल बिल्कुल सीमांत जो एरिया है वो डेवलप हो बॉर्डर बॉर्डर टू उसकी मुहिम है आगे जाके वो गुजरात तक पहुँचे ये मुहिम है कैनाल में मतलब उससे क्या होगा कि जैसे राजस्थान कैनाल है तो वहाँ पर कैनोइ हो सकती है बोटिंग हो सकती है फिशिंग हो सकती है मतलब नए आयाम खुलते हैं हाँ बिल्कुल नए आयाम खुल सकते हैं नए रोजगार जो जो मास माइग्रेशन कहते हैं ना कि जब गाँव से लोग शहरों में जा रहे हो वो रुक जाएगा आज कल छोड़ा बिल्कुल बिल्कुल और फिर क्या है कि खेती बाड़ी की बढ़ोतरी होगी खेती बाड़ी लोगों का चार होगा आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चलती है तो ये मातेमैज जैसे पहले उसमें मिलते मातेमैज लाने का अगर नियमित हवाई सेवा हो दिल्ली से बम्बई से जयपुर से अहमदाबाद से नियमित पूरे छः महीने और जो लो सीजन जो कहते हैं उसमें अगर हफ्ते में तीन दिन हो जाए तो ये जस्ट बिकाने, में बिकाने बाढ़ में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है बढ़ती है संभावनाएं तो बहुत बढ़िया रहा आज का हमारा इंट्रैक्शन प्रदीप जी बोरा साहब से राठौर साहब से काफ़ी ट्रेन के बारे में जानकारी मिली और ऐसी ऐसी जानकारी जिसमें कि लोगों को पता भी नहीं कि आप वहाँ पर बर्थडे पार्टी कर सकते हैं आप वहाँ पर जाकर शादी सेरेमनी कर सकते हैं आप प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं वहाँ छोटे मोटी कॉरपोरेट मीटिंग कर सकते हैं बढ़िया लंच शाही अंदाज में शाही तरीके से बिल्कुल रॉयल रिट्रीट विद रॉयल ट्रीट ऑन पैलेस पैलेसन वही आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोरा जी हमारे धन्यवाद और जैसलमेर का जैसे आपने आज हमको रूप दिखाया है और बॉर्डर टूरिज्म के बारे में बात करी है ये तो हमारे विचार से परे था हम जैसलमेर जाते थे तो या तो जैसलमेर नन्ने याद आता था या हमारे को किला याद सम समय याद आ जाते थे लेकिन अब तो आज अब देखने वाली चीज़ यह है कि आपने बॉर्डर टूरिज्म के लिए आपके हमारे अग्रिम तरीके से बहुत अग्रिम बधाइया और हमारी पूरी पूरी आपके साथ बेस्ट विशेज कि आप इस मुहिम में कामयाब रहें और हमारे चैनल में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद सर सो हमारे साथ द ट्रेन मैन एंड द बॉर्डर टूरिज्म मैन वी वर देयर डिस्कसिंग द एवेन्यूज एंड एवेन्यूज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग टूरिज्म ऑन ट्रेन एंड टूरिज्म इन डेजर्ट्स So it was a wonderful interaction with them. I thank you from the channel venue.events. Thank you very much. Thank you very much.